दो ही हैं। अच्छा फिर कोविड हो जाता है फिर कोविड हो जाता है। कोविड के टाइम पे देर इज अ पिवट टू इंस्टाग्राम, लाइक डेडली किस्म की ना, हाउ टू मेक यार वो इस तरह हुआ था वो भी that was it only and only started because of Shamoon. And you know now I still meet him और हम अक्सर कहीं ना कहीं पार्टी शार्टी पे जाते हैं, कहीं होते हैं, वो मुझे नहीं मिलता है। अब मुलाकातें हो रही, मतलब इस तरह कभी मुलाकात नहीं होती कि आ यार आदि बैठ मेरे साथ बात लगाएं, उस तरह कुछ नहीं होता। Of course like we meet like हाँ मतलब टेंशन थी, और मतलब I think that tension really like affected me as a creator because मैं मतलब एक बहुत ही humble एक बचकाना कंटेंट बनाना का सोचता था, you know like I wanted to make tutorials and I wanted to make like vlogs that teach people about you know उस तरह की चीजें मैं सोचता था। और फिर मैंने एक दिन बस मैं बैठा और दोस्त ने गाना सुनाया शामून का, और मैंने उसको बोला कि यार ये बहुत फनी नहीं है गाना, थोड़ा सा। उसने कहा हाँ फनी है, तो यार मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं घर गया, मैंने उस जमाने में नया नया मैकबुक लिया था, तो मैंने मैकबुक पे गराज बैंड खोला, गराज बैंड पे मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा हाउ टू मेक अ सॉन्ग विद बेस। वो दो तीन चीजें कॉपी की, गराज बैंड पे गाना बना। मैंने कहा ये तो बड़ा साउंड्स लाइक शामून्स बीट, और फिर मैंने उस पे थोड़ा सा कुछ गाया लिख के। एंड ऑल ऑफ दैट वीडियो दैट आई शॉट वाज एक्चुअली आई वाज डूइंग इट देयर एंड देन। आई डिडंट लाइक प्लान कि ये मेरा शूट है, और फिर मैंने कैमरा रिकॉर्ड किया और मैंने टिकटॉक की तरह बनाया जिस तरह गोरे बनाते हैं। और ये फॉर्मेट था जो ऑलरेडी गोरा कर रहा था, इट वाजंट इवन समथिंग न्यू। तो मैंने वो किया और वीडियो बनाई और बहुत मजा आया। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक एज अ ऑनलाइन क्रिएटर। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे मोनेटाइज यूट्यूब चैनल पे बैठा हुआ था, लेकिन कुछ कभी वो नहीं हुआ कि वो वीडियो व्यूज आ गए 100-200 आ गए, बड़े खुश हो गए। तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो चली तो बहुत मजा आया, लोग लगा रहे हैं, मॉडल्स लगा रही हैं, लोगों ने उसकी डेरिवेशंस निकालनी हुई, वो शामून से शैम्पू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर अगले दिन मुझे कॉल आई शामून की, और उसने कहा मैं शामून बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा क्या क्या सीन है, पता नहीं क्या, लाइक वाई डिसिंग मी, तू कौन है, तू बीफ चाहता है, तू ये है, तुम्हें जानता नहीं है, मैं ये है, मैं वो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तू बीफ चाहता है। मैंने कहा, मैं सुनता रहा मतलब तहम्मुल से कि चलो सही है, लेकिन कह रहा है वो, थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो रहा था क्योंकि मैं शामून का फैन था, लाइक टू बी ऑनेस्ट यू नो, लाइक मैं किसी वजह से उसकी वीडियो बना रहा था, ऑफ कोर्स तो हाँ मैं उसके गाने सुनता था। तो खैर मैं थोड़ा खुश भी था कि यार अच्छा मैं जो तप रहा है, बड़ा मजा भी आ रहा है, और ये वो। फिर मैंने उसको लाइक जब उसने बोल लिया, मैंने उसको बोला कि यू नो लाइक आई एम लिटिल शॉक्ड हियर, मतलब लाइक यू नो पीपल हु आई नो, लाइक वी हैव म्यूचुअल्स एंड एट द सेम टाइम लाइक मतलब लोग ड्रेक का मजाक उड़ाते हैं, लोग कानिया का मजाक उड़ाते हैं, लोग किसका मजाक नहीं उड़ाते। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू लाइक व्हाट यू आर डूइंग। और उसने करके 2-3 बार सांस लिया और बस फोन बंद हो गया। एंड ओवर द इयर्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट ओकेजंस अ लॉट ऑफ पीपल हैव मैसेज्ड मी एंड यू नो सेड के हे ब्रो मैं शामून का बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। शामून बड़ा यार वो कभी बार वाइल्ड हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, लेकिन अच्छा बॉय है, ये वो है। और मेरे बहुत ज्यादा म्यूचुअल्स है शामून के साथ, ऑफ कोर्स। तो you know so I do see him around, तो बड़ा एक civil arrangement होता है, ऐसा कुछ नहीं होता ओए ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मजाक of course। I think over like eventually when I started doing other artists and stuff, तो उसको भी समझ आ गई होगी और भी लोगों को समझ आ गई थी कि अच्छा क्या है। और अब तो मतलब ये सिचुएशन है कि I don't want to do more artists because I don't want to shed light on somebody who I don't want to, you know, क्योंकि अब थोड़ी मतलब वो थोड़ा वो टाइम आ गया कि वैल्यू हो जाती है उस बंदे को। तो मुझे सोच समझ के करना पड़ता है कि मतलब यू नो मैं एक सियारे गहरे का ना कर दूं, मतलब यू नो उसी को ब्रांड बना ले। इज दिस हाउ यू मीट हसन फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, हसन को मैंने कराची जाते ही मैसेज किया था कि मैं तुम्हारा गाना सुना है, बहुत अच्छा है, तो मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ फिट है, हम पॉडकास्ट करेंगे, मैं अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ उसके बाद। एंड मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा एंचो मुझे तो बड़ा लगा था एक सॉर्टेड आर्टिस्ट है, बड़ा है, ये तो भैंचो बच्चा है अभी। तो मैंने कहा चलो फिट है आए, तो मेडिकल कॉलेज में। और महीना डेढ़ वो गुजरे, मैं भी बिजी हो गया, मुझे भी कभी मैंने पॉडकास्ट ही करने बंद कर दिए। उसके बाद आई वेंट डीप इनटू पैरोडीज एंड ऑनलाइन स्टफ, तो उसकी वजह से मैंने पॉडकास्ट को बिल्कुल होल्ड कर दिया। एंड उसी दौरान में लाइक हसन डिड 2-3 सॉन्ग्स टुगेदर, जूना और पैसा और ये वो। तो हिज करियर वेंट वेरी डिफरेंटली। तो वो हम जब भी मिले उसके बाद, जब भी मिलते हैं हमेशा ये कहते हैं कि शुक्र है वो पॉडकास्ट नहीं और अब कभी भी नहीं करना you know, a podcast. Matlab, there will be no setting where I will be a host and Hasan will be a guest. Please, main nahi hoti wo dynamic raha hi nahi, wo fuzul ek stupid सा इंटरव्यू होगा.